नोटबंदी के दौरान बैंकों में जमा हुए जाली नोट का केस जयपुर गांधीनगर से अजमेर कोतवाली थाने को ट्रांसफर कर दिया गया है। थाना अधिकारी ने बताया कि जमा रकम में कई नोट जाली थे, इसमें 500 के 258 नोट और 1000 रुपए के 450 नकली नोट शामिल है। इस पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद नकली नोट जमा करने वालों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ईस्ट थाने गांधीनगर थाना जयपुर ईस्ट में वहाँ से एक ऑनलाइन FIR ट्रांसफर हुई, जिसमें नोटबंदी के दौरान जो अजमेर में कुल नोट जमा हुए उनमें से 500 रुपये के 258 और 1000 रुपये के 449 जो जाली मुद्रा के नोट उसमें बरामद हुए, उसके संबंध में संबंधित जो बैंक अधिकारी है SBI के, उन्होंने जयपुर गांधीनगर ईस्ट में FIR दी थी, जो हमारे यहाँ ऑनलाइन ट्रांसफर हुई और यहाँ पर जिस पर FIR दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। कुल टोटल कितना पैसा? ये टोटल हो गया 5,78,000 रुपये, जिसमें 500 और 1000 के पुराने नोट जो नोटबंदी के दौरान जमा हुए उनमें से जो मुद्रा मिली वो वाले नोटों का उल्लेख किया हुआ। अब आगे की जाँच जो वहाँ जाने के पश्चात नोट बरामद करने के पश्चात ही हो पाए।